कमरे में चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है? पहले इसे तो खत्म करते हैं। चलो ना। Good night, Mr. and Mrs. Kashyap. Good night. संभल नहीं सकते तो इतना पीते क्यों है लोग? लूजर। मैं साफ कर देती हूं। आप रहने दी। आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। ये गंदगी मैं साफ कर दूंगा। मेरे लिए रोज खाना लाती। थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बीच अब थैंक यू सॉरी रह गया। कहना चाहिए ना। मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता। आप ऐसे क्यों सोच रहे? आज भी ठाकुर साहब इस उम्र में इधर उधर भाग रहे हैं मेरे लिए। कुछ रिश्ता है तभी तो। और ये जो रिश्ता है, बाद में भी बात कर सकते हैं। अभी वक्त नहीं है ये सब सोचने का। ठीक है, नहीं सोचता मैं। आप ही बताइए क्या सोचूं। बच्चे के बारे में सोच रहा था। वो बच्चा तो ठीक है ना? आपने देखा उसे? दूर से ही देखा है। डॉक्टर किसी को भी उसके पास नहीं जाने दे रहे। प्रीमैच्योर है। हमारी मुक्ता, आपको याद है डिलीवरी से पहले मैं आया था, आपका हाथ पकड़ कर बैठा।
डिलीवरी के बाद वो दूर से यूं एक दरवाजा था, बीच में एक शीशा था, मैं उसकी उस तरफ थी और मुझे लगा मैं जाके उसे, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। आपको पता है ना, बच्चे माँ बाप नहीं बन सके, वो बेचारी हमेशा ही अकेली रह गई। हम कभी भी नहीं थे उसके लिए। मैं दुनिया के किसी कोने में इस बात से अनजान कि मेरी कोई बेटी है, और आप दुनिया के किसी और कोने में प्रायश्चित करती हो, और अभी भी तो वो अकेली ही है, अकेले कमरे में रोती है। तो कौन आंसू पोछेगा उसके, जब कोई जानता ही नहीं। तो अब ख्याल रखती है ना उसका, बहुत प्यार दीजिए उसे। ये सारे बरस जब हम नहीं थे, सबका प्यार दे दीजिए उसे। और सर्वे के बच्चे को भी, उसे मां की कमी नहीं होनी चाहिए। समझ नहीं सकते तो इतना पीते क्यों है लोग? पता नहीं क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हैं आकर, क्यों कर रहे हैं ये सब? पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। ले जाके एक बार देख के आ।
पापा नाश्ता कीजिए ना। बेटे मीठी से बात हुई है, कैसी है वो? खुश है मीठी अपने पति के साथ। जाना मत भैया, बहुत सारा सामान है, मैं अभी लेकर के आते हैं बस आपके लिए। आप नाश्ता नहीं? अरे भाई किसके पास टाइम है जो पेपर। रोजी पड़ गया ना हमारा सारा काम। मामी हम आपकी हेल्प कर देते हैं। मामी हाँ जी एडवोकेट रॉकी सचदेवा की जीत, एक और बेगुनाह की हुई रिहाई। बड़े पापा आपने ये न्यूज़ पढ़ा? ये देखिए कोई रॉकी सचदेवा करके लॉयर के बारे में लिखा हुआ है। रॉकी सचदेव बड़ा हैपनिंग टाइप का नाम है, अजीब नहीं? अरे नहीं जी, इनका पूरा नाम ना राकेश सचदेवा है। अन्याय के सामने तो एकदम पहाड़ के जैसे खड़े रहते हैं। हाँ जी इसीलिए तो इनका नाम पड़ा ना रॉकी। हाँ आपकी जनरल नॉलेज तो बहुत बढ़ गई है, कैसे पता? अरे वो क्या ना जी, हम टीवी बहुत देखते हैं ना, और इस केस का ना न्यूज चैनल पे बहुत बोलबाला था और ये केस जीत भी गए थे। हाँ जी तो बेटे आप जल्दी से इंटरेक्शन ले आइए। चलिए अच्छा भैया सब उठाओ कि यहाँ पर बोला उन्होंने राकेश सचदेवा आर एडवोकेट रॉकी सचदेवा। ये रहा ये रहा ये नंबर ये हम अभी फोन लगाते हैं। रिंग हो रहा है। हेलो हाँ हम जोगी ठाकुर बोल रहे हैं, हमें सचदेवा साहब के साथ एक अपॉइंटमेंट चाहिए। सॉरी सर, सर के पास अगले 6 महीनों तक एक भी दिन खाली नहीं है। 6 महीने? नहीं नहीं देखिए बहुत अर्जेंट है, उनसे कहिए हमें अभी अपॉइंटमेंट चाहिए। हमारी बात करिए आप उनसे। क्या क्या कह रहे थे? की बात कैसे हो सकता? याद ही नहीं है कितनी पीली है और किस हद तक गिर गए वो भी याद नहीं होगा राइट। वो उठते ही नजरों के सामने तुम ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ आकाश। और ये सुबह नहीं है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि दोपहर के 1 बज चुके हैं। क्या फर्क पड़ता है दिन हो या रात, उस नजरों के सामने तुम होनी चाहिए। कल रात जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारी इन हरकतों से मुझे जलन महसूस हो रही है तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो।
क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो कुछ भी कल रात तुमने किया वो सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा था, क्योंकि प्यार तो तुम सिर्फ मुझसे करते हो, राइट? लेकिन हाँ, उस प्यार के लिए अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है आकाश। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी इन हरकतों से मुझे इतनी जलन होगी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। सच तो मेरे कुछ करने से या ना करने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कल रात को जैसे मैं सोया था वैसे ही सोने दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज जिस तरह से मैं सुबह उठा उस तरह से मैं रात को सोया था। जूते, जैकेट, क्यों? इंसानियत के खातिर। अगर मेरी नियत पर शक है तो कल जो कुछ भी किया आज फिर से दोहरा लेना। एंड ट्रस्ट मी आकाश, मैं दोबारा आने की गलती नहीं करूंगी। याद रख।